श्री राम ने एक शूद्र की हत्या क्यों की, जानिए रहस्य। जय श्री राम बंधु, स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है, अतः इस प्रसंग में हम आपको आज बताएंगे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक शूद्र की हत्या क्यों की, अर्थात उसे क्यों मारा, तो जानते हैं इस वीडियो में। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बंधुओं, एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आ गया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूं। निश्चय ये महाराज श्री राम का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, कहने लगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या तीन पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और सुख से भरी हुई बातें जब सुनी, फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं, कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही क्या देखा कि देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के समीप महाराज श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, हे राम, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूं, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की प्रधानता थी, कोई ब्राह्मणत्व पुरुष जो थे वो तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है, दोनों ही तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों की धर्म की विशेषता है। हे राम, इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता, केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार दिया गया है। हे राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है, उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः हे राम, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो, जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। फिर भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर बैठे हुए आरूढ़ हुए और धनुष भाथा एवं चमचमाता हुआ खड़ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंप दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं और कौतूहल बस तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं तुम किस लिए तपस्या करते हो, ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र? तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है, उसका उद्देश्य है स्वर्गाद उत्तम लोकों की प्राप्ति।
तप, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, अतः परोपकार के उद्देश्य किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है, तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए यानी अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर तामस तप कहलाता है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, हे नृपश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूं, आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता ही होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और कठोर तपस्या में लगा हूं। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंभूक है। मैं इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि भगवान श्री राम ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्जवल मस्तक धड़ से अलग कर दिया, अर्थात उस शूद्र को मार दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण यह शूद्र मारा गया, यानी भगवान श्री राम ने जैसे ही शंभूक नामक उस शूद्र को मारा, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। तो दोस्तों, यही कारण था जो भगवान श्री राम ने शंभूक नामक शूद्र का वध किया था, उसकी हत्या की थी, क्योंकि एक ब्राह्मण का बच्चा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस शूद्र के मारने से उस ब्राह्मण के बच्चे को जीवन दान मिला। इसी वजह से भगवान श्री राम ने उस शूद्र को मारा, अर्थात उसकी हत्या की। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अगर हो सके तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए और दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।